टाइगर श्रॉफ की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आप 23 नवंबर 2018 को देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहां टाइगर की इस मूवी का 2018 में आना मुमकिन हुआ है ऋतिक रोशन की वजह से। जी हां दोस्तों, 23 नवंबर 2018 को पहले ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 30 आ रही थी, लेकिन यहां ऋतिक ने टाइगर की मूवी के लिए अपनी मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी और अब सुपर 30 आप 25 जनवरी 2019 को देखेंगे। ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 30 23 नवंबर को फाइनल थी, लेकिन यहां टाइगर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए कोई परफेक्ट डेट नहीं मिल रही थी। फिर क्या था, टाइगर के लिए ऋतिक ने सुपर 30 की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। सुपर 30 की रिलीज डेट जैसे ही आगे बढ़ाई गई थी, उससे एक से दो घंटे के अंदर ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की रिलीज डेट बताई गई और इस कारण ऋतिक टाइगर की एक्शन मूवी जो 25 जनवरी 2019 में आने वाली थी, उसे 2 अक्टूबर 2019 कर दिया गया। तो यहाँ ऋतिक और टाइगर ने अपनी मूवी को इस तरह मेंटेन किया है कि आप साल के अलग अलग समय में इन दोनों स्टार्स की बेहतरीन मूवी देख पाएंगे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जहाँ टाइगर पहली बार इस तरह का रोल कर रहे हैं, वहीं सुपर 30 में तो ऋतिक रोशन पूरी तरह से ही बदलते हुए दिखेंगे। और जब ऋतिक टाइगर एक्शन मूवी में एक साथ दिखेंगे तो यहाँ तो कमाल ही हो जाएगा। तो यहाँ ऋतिक टाइगर की दोस्ती के कारण दो मूवी के क्लेश बच गए हैं और इस कारण 2018 के आखिरी में आप टाइगर श्रॉफ के स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखेंगे और 2019 के शुरुआत में आप ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 30 देखेंगे। साथ ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।